हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। सो अब मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ या शेयर कर रही हूँ क्या सरगी सरगी जो मेरी सासू माँ के द्वारा मुझे मिली, और 31st को ये मुझे सरगी मिली थी, जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ जो जो सरगी में सामान मिला, जो जो मेरा फेवरेट था, जिसमें हमारे फ्रूट्स, मिठाई और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो सब मैंने आपको दिखाया, साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा श्रृंगार का सामान मैंने आपको दिखाया। तो वो सारी चीज़ें दिखाने के बाद अब आ चुके हैं हम 1 नवंबर के दिन पे, मतलब जिस दिन करवा चौथ है। तो 4:49 हो रहे हैं, आप देख लीजिए, सुबह के मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। फटाफट से मैं उठी और फिर मैंने फ्रेशन अप हुई एंड उसके बाद मैंने सरगी वगैरह ली। सरगी में बस वही मट्ठी वगैरह खाई थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरा जो ये वाला इस बार का फास्ट है वो बेसिकली आपको पता है कि हमारे घर में गुड न्यूज़ आ रही है, बिकॉज मैं प्रेगनेंट हूँ। तो इसके चलते हुए जो फ्रूट पे बेस मेरा फास्ट होने वाला है आज पूरे दिन में, तो ज़्यादा कुछ मतलब भूख भी नहीं थी, और वैसे भी मन इतना होता नहीं है सुबह खाने का, तो मैंने कुछ नहीं खाया था, बस थोड़ा बहुत पानी वानी पिया, मट्टी वगैरह खाई, चाय वाय ली, उसके बाद मैं सो गई। और सुबह मैंने देखा और मुझे ऑफिस भी जाना था, अपने इंस्टीट्यूट जाना था, तो वहाँ पर फिर मैं तैयार व्यार हुई उसके लिए। सो गाइस, मैं जा रही हूँ अपने इंस्टीट्यूट जहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ। तो मेरा करवा चौथ तो ऐसे ही चल रहा है, आप सभी बताइए आप सभी का करवा चौथ कैसा चल रहा है। मैं तो नॉर्मल डेज में जैसे जाती हूँ वैसे ही जा रही हूँ, और आप सभी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कि आपका करवा चौथ कैसे चल रहा है। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ इंस्टीट्यूट, आप सभी के साथ में फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। फाइनली मैं आ चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन, आर के पुरम मेट्रो स्टेशन। सो हम चलते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज, मेट्रो स्टेशन आने के बाद मैं आपको अपना लुक दिखा रही हूँ। मेट्रो में अब ट्रैवल करने जा रही हूँ, तो थोड़ी ही देर में मेट्रो आने वाली थी, तो सोचा आपके साथ मैं छोटी सी एक वीडियो शेयर कर दूँ। फाइनली मैं आ चुकी हूँ हॉस्टास मेट्रो स्टेशन। थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रही होगी, अगर नहीं आएगी तो वॉइस ओवर कर दूँगी, बट जल्दी जल्दी से जल्दी हूँ ऑफिस, क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। सो मैं आपके साथ में टॉपिक शेयर कर रही हूँ, मेरा ICT का टॉपिक था, वही मैं स्टडी कराने वाली थी स्टूडेंट्स को। तो फिर मैं घर पहुँची, पढ़ाई वढ़ाई हो गई थी स्टूडेंट्स की, तो उसके बाद मैं घर पहुँची और मैं जा रही हूँ घर। सो मैं अपने घर आ चुकी हूँ, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे पूजा के टाइम पर तैयार होकर, क्योंकि अभी तो मैं कैजुअली गई थी, ज़्यादा कुछ किया नहीं था, चूड़ी वगैरह पहनी थी। तो अब मैं घर जा रही हूँ, फिर मिलते हैं आपसे जब मैं पूजा कर रही होंगी। उसके बाद क्या था, मेहंदी तो मैं लगा नहीं सकती थी, तो सोचा कि आलता लगा लेती हूँ। आलता थोड़ा बहुत लगाया और उसके बाद पूजा की हमने तैयारी की, मैंने और माँ ने दोनों ने ही मिलके पूजा की अपनी अपनी। और सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड देखिए इयररिंग्स, लेट मी जूम दिस एंड ये अभी मैं रेडी हुई हूँ पूजा के लिए। फिर मैं आपको अपना लुक दिखा रही हूँ, जो मैंने इवनिंग में ड्रेस पहनी थी, मतलब सूट पहना था, सूट वेयर किया था, बिकॉज मैं साड़ी में कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा इस बार सूट ही पहन लिया जाए। तो फाइनली आशा हमारे साथ आ चुके हैं। हेलो दोस्तों तो आप बताइए कहाँ है मेरा करवा चौथ का गिफ्ट, वेयर इज माय करवा चौथ गिफ्ट। कुछ नहीं दिया, ये और पैसे निकलवाना चाहती है अच्छा, ये इसकी चाल है। मुझे कोई पैसे नहीं आए, मुझे कोई पैसे नहीं आए। अभी 10 दिन बाद, सॉरी 10 दिन बाद नहीं, अगले हफ्ते तक आप देखना ये गिफ्ट लेके अपनी दूसरी वीडियो बना रही होगी। मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला और ना मुझे कोई पैसे आए, मेरे पैसे ले लिए हैं, गिफ्ट भी आ जाएगा। हाँ देखते हैं, इसकी झूठी बातों में ना आए। ठीक है, हैप्पी करवा चौथ। ओह सेम टू यू, बाय बाय गाइस, बाय। सो गाइस, ये आज का डिनर है और हमारा व्रत खुल चुका है, तो फाइनली अब खाना आ चुका है और टाइम हो रहा है 8:30 से ऊपर हो चुका है। बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद खाना मिल रहा है, तो फाइनली अब इस पर टूट पड़ो अच्छे से और मैं इंजॉय करती हूँ। इट्स यम्मी, जो आत्मा तृप्त हुई है वो कोई नहीं जान सकता। ओके बाय बाय एवरीवन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।